अनलॉक वन हो गया है, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें खुली है, गवर्नमेंट के दफ्तरें खुली है, सभी कुछ खुले हैं। इसी सिलसिले में रोजगार सेवक है, क्या क्या गवर्नमेंट में क्या क्या खुला है, क्या 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 चीज़ें आई है, इस बारे में बात करेंगे हम रोजगार सेवक अशोक कुमार यादव से। हाय अशोक सर, क्या क्या खुला है और क्या क्या काम है लोगों के लिए? अभी मनरेगा के तहत मुख्य रूप से मेटबंदी हो गया, इसके बाद TCB हो गया, नाली कच्चा नाली का जीर्णोद्धार हो गया, वृक्षारोपण हो गया और 60x60 का डोभा, यही सब योजना के तहत हम लोग को काम करना है। और पोटो खेल का मैदान, अशोक जी जब प्रवासी मजदूर वहाँ से आए, मुंबई दिल्ली कोलकाता विभिन्न शहरों से आए हुए हैं, तो उनके लिए क्या क्या काम अब उनके लिए मिलेगा? क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ तक कि ये मन बना के आए हैं, काफ़ी लोग पैदल आए हैं और उन्होंने ये कहा कि अब हम शहर नहीं जाएंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट्स क्या क्या प्रावधान कर रही है और क्या क्या काम देगी उनके लिए? जी मनरेगा के तहत अभी जो प्रवासी मजदूर यहाँ पलायन किए हैं, आए हुए हैं बाहर से, उनको बाहर नहीं जाने देने के लिए सरकार एकदम पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। मनरेगा गाइडलाइन के तहत अभी मुख्य रूप से बोले न कि फलदार वृक्षारोपण हो गया, डोभा हो गया, फोटो खेल का मैदान हो गया, इसके बाद कुछ बहुत जगहों पर शौचालय निर्माण, सोखता निर्माण, ये सारे काम बृहद पैमाने पर अभी चल रहा है। मेटबंदी हो गया, TCB हो गया, यानी किसी भी परिस्थिति में मजदूर बाहर ना जाएं, मजबूर ना हो, भूख से पीड़ित ना हो, इसके लिए पूर्ण रूप से अभी मनरेगा के तहत ये सारी योजनाएं चल रही है। इसके अलावा और क्या 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 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट पास कर सकती हैं, अगर कुछ हिंट हो आपके पास तो? ऐसा तो अभी तत्काल कोई हिंट्स वैसा नहीं आया है। इसके अलावा जब क्वारंटाइन में लोग थे, जब बाहर से आए लोग, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही लोग को दी गई थी, तो उस वक्त कितना आप लोग के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी और कितना डरे हुए थे आप लोग? क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन था वो, जो सिचुएशन था वो, क्योंकि मुंबई दिल्ली इवन जितने भी शहर रहे थे कंटिन्यू केसेस रेज हो रहे थे और बड़े पैमाने पे केसेस आ रहे थे वहाँ से, और वहीं से लोग आ रहे थे और आप लोग को देखभाल करना था, टोटल सभी के सभी चीज़ें आपको करनी थी, तो उस वक्त क्या प्रेशर था? सर देखिए उस समय प्रेशर इतना बहुत ज़्यादा था कि हद से कहना ज़्यादा, हम लोग अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे थे कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं ना, तो एक डर टाइप के हम लोग को भी लग रहा था, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से झेलते हुए सरकार का जो गाइडलाइन था उसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया, और क्वारंटाइन में जो भी लोग बाहर से आए थे, जो व्यवस्था दी गई थी, हम लोग पूर्ण रूप से उसका अनुपालन किए। फैमिली कितना मिस कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त आप लोग भी अकेले रह रहे थे, तो फैमिली का क्या पाल था, फैमिली पे कितना प्रेशर था, और वो लोग भी क्या बोल रहे थे कि काम छोड़ के आप लोग घर आ जाओ, क्योंकि इस तरह का सभी बिल्कुल जब हम लोग यहाँ पर रह रहे तो फैमिली लोग भी असंतुलन अवस्था में एकदम पूर्ण रूप से जी रहे थे। डायरेक्ट वो कहते थे कि ये ड्यूटी छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग एक सामाजिक और एक कर्मचारी होने के नाते पूर्ण रूप से अपना जो हमारा कर्तव्य था वो हमने पूर्ण रूप से काम किया। की कुछ आलोचनाएं सहनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम्स तो होती है, इसमें तो बहुत तरह की आलोचनाएं भी होती थी, लेकिन उन आलोचनाओं को अब हम लोग ले करके चलते अगर कर्मचारी वर्ग, तो खास करके हम लोग पूर्ण रूप से और विचलित हो जाते और काम नहीं कर पाते, इसलिए जो भी आलोचना है आलोचना को हम लोगों को सहन करने की एक क्षमता होनी चाहिए, और हम लोग में ये क्षमता है, चूँकि एक हम कर्मचारी हैं, जनता का हम एक नौकर हैं, उनके लिए हम कुछ सारा कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने काफ़ी तकलीफ दिया, लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस भी की है इनके बोलने के मुताबिक, और कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना चाहिए था, पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें, क्योंकि हम जिंदगी भर उन्हें गालियाँ देते आए थे, और यहाँ तक कि ये भी कहते थे कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग स्लो काम करते हैं, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस COVID-19 में गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी थे लगभग सभी के सभी ने अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाई। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ अरविंद सौ, सौ न्यूज़ झारखंड।